हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवशंग। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज के इस स्टडी में मैं आप लोगों के लिए चेक करना चाहूंगी कि अक्टूबर का मंथ आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रही है, क्या नया आपके लाइफ में होने वाली है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या है अक्टूबर मंथ में आप लोगों के लिए स्पेशल, क्या होने वाला है आप लोगों की लाइफ में अक्टूबर के मंथ में। थैंक यू। द चैरियट, सबसे पहला कार्ड चैरियट नंबर 7। ओके, दो कार्ड आ रहे हैं, दोनों ही नाइट के कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। द एम्प्रेस, अक्टूबर के जो मंथ है आप डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। जो चीज आपने पास्ट में सोची थी कि ये करना है, आपने पास्ट में कोई जर्नी स्टार्ट की थी, उसमें फाइनल डेस्टिनेशन तक आप पहुंचेंगे। या तो आप देख पाएंगे कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, अवार्ड जो है वो आपका है, रिवॉर्ड जो है वो आपके ही नाम से है, या फिर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके होंगे, आपको रिवॉर्ड मिल गया होगा। ओके, तो अक्टूबर के मंथ में आपकी कोई ना कोई जर्नी कंप्लीट हो रही है और आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, अगर आपकी विश है कहीं बाहर जाने की, कोई ट्रेवल करने की, छोटी या बड़ी कोई ट्रिप, अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है तो यहाँ पर चांसेस है कि आपको ट्रेवल करनी पड़े। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई शिफ्ट आ रही है। ओके, कोई चेंजेस आ रही है, नया जॉब के पर्पस में या नई बिजनेस के पर्पस में आपको कहीं बाहर जानी पड़ रही है। ओके, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारे कार्ड है, तो ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। ओके, और यहाँ पर द एम्प्रेस के कार्ड है, एम्प्रेस के कार्ड विद द चैरियट कार्ड कहने का ये मैसेज दे रही है कि आप ना अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, अपने आप को आप और ज़्यादा एम्प्रेस करेंगे। ओके, अक्टूबर मंथ में आपका फोकस रहेगा अपने आप को और कैसे आप बेटर बना सकते हो, अपने आप को और कैसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, दुनिया के सामने आप अपनी बेस्ट वर्जन को कैसे रख सकते हो, इस पर आपका फोकस रहेगा। बहुत ज़्यादा आप लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस करने वाले हो, इनर वर्क बहुत ज़्यादा करने वाले हो, और ये भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे ना कि आपके लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो वो जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में आ जाए। जो आप डिज़र्व करते हो वो अगर इतने दिनों तक डिले हो रहा था आपके पास आने में, तो वो अभी फास्ट आएगी। ओके, तो सक्सेस डेफिनेटली है आपके लिए अक्टूबर के मंथ में, अबंडेंस आपके लिए है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, और फाइनल डेस्टिनेशन, ये आपका मेन थीम होने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अपने बेस्ट वर्जन को डिस्कवर करेंगे। ओके, अपनी अल्टीमेट सक्सेस को आप लोग देख पाएंगे। ओके, ये आप लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं अक्टूबर के मंथ में। थैंक यू। यस, ओवरऑल अक्टूबर के मंथ में आपके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स हो रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, फ्रेश स्टार्ट हो रहे हैं आपके लाइफ में। जैसे एक जर्नी को आप कंप्लीट करे हो, एक जर्नी आपकी कंप्लीट हो रही है सक्सेस के साथ, और एक न्यू जर्नी को आप स्टार्ट कर रहे हो। आप अपनी इच्छा से एक और जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और जिसमें आप ये कह रहे हो कि ये भी मुझे सक्सेस के साथ ही चाहिए, इस जर्नी में भी मुझे सक्सेस चाहिए। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अक्टूबर के मंथ में आपकी लाइफ में सक्सेस रहने वाली है, पॉजिटिविटी रहने वाली है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। ओके, कोई एक जर्नी सक्सेस के साथ एंड होगी, न्यू जर्नी में आप एंटर करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा लव आप लोग करने वाले हो, ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ओके, तो यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। तो अगर रेजोनेट हो रही है ये एनर्जी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।